ले इसको, लकड़ी के लकड़ी का रोमिया का बच्चा है क्या? छोटा है, 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 है। उधर तो उधर किनारे किनारे डब्बा ढक्कन ला ले। बीटी चालू है ये यहाँ लगा। दोस्तों ये हम यहाँ से जा रहे थे, ये बस स्टैंड वाला एरिया है, यहाँ से हमारे एक भाई ने फ़ोन करके बुलाया हमको। तो दोस्तों एक छोटा सा चेकर्ड किल बैक है, ढूंढिया बोलते हैं हम लोग इसको सामान्य भाषा में। तो ये प्रहलाद भैया को, प्रहलाद भैया आओ थोड़ा, ये प्रहलाद भैया को स्पेशल थैंक्स। हाँ अच्छा और दोनों और ये हमारे प्रहलाद भैया हैं, अभी इनको हमारा नंबर मिला था और तुरंत इनने हमको कॉल करके एक सांप दिला दिए। तो थैंक यू सो मच प्रहलाद भैया। ये प्रहलाद भैया दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिखाओ उनको। ये जब काटता है ना तो खून बंद नहीं होता, तो कभी कभी सदमे में आके आदमी की जान भी चली जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाता है। समझे कि नहीं? समझ पकड़ेगा? ये हमारे छोटू, क्या नाम बेटा ने देखा? हाँ बताओ। लक्की नाम है, सबसे पहले इसी ने देखा था तो इसी ने फ़ोन करवाया अपने पिताजी, पिताजी से फ़ोन करवाया और इसको रेस्क्यू कर लिए हैं। और ये देख लीजिए हमारा बैहर कितना मस्त बैहर है, तो इसको देखिए हमारे बैहर को। और ये हमारे भैया हैं जीतू भैया, और ये हमारे क्या नाम इसका वंश भाई, और ये हमारे भाऊ भाई साहब हैं उनको, इन्हीं को स्पेशल है। और ये हमारे भाटिया जी का सब पूरा दुकान लगा है इसमें। और ये भाईजान को भी दिखाइए जरा, हमारे अख्तर भाईजान। ये चेकर्ड किलबैग हमें बस स्टैंड के पास से मिला है और इसे हम रिलीज करने इसके अनुकूलित वातावरण में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पानी दिख रहा है, पानी है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये जो चेकर्ड किलबैग है दोस्तों पानी में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसको हम पानी में ही छोड़ रहे हैं, बाकी अपना आगे का जीवन ये फिर आराम से व्यतीत कर सकता है। दोस्तों इस सांप बेजुबान को तो पता नहीं था वहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, वो गाड़ियों के चपेट में आ जाता तो दोस्तों एक वन्य जीव हमारा और क्षति हो जाती। तो दोस्तों उन्होंने हमको बताया प्रहलाद भैया को स्पेशल थैंक्स उनको कि उन्होंने जस्ट हमको, हम निकले थे उनकी दुकान से और पहुंचे थे कुछ दूर, तो उसके बाद तुरंत फ़ोन आया कि सांप यहीं सामने है करके, तो हम लोग गए दोस्तों। अब चूँकि दोस्तों माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में था और उसी कंडीशन में चले गया, हालांकि मेरे पैर में शूज़ वगैरह नहीं है। और जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बिना रेस्क्यू इंस्ट्रूमेंट के, शूज़ के बगैर रेस्क्यू ना करें। और दोस्तों ये नॉन वेनमस सांप है इसलिए मैंने रिस्क लिया, क्योंकि मैं घर जाता तब तक शायद ये वहाँ मर जाता, ये क्योंकि आवागमन ज़्यादा था। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू बैहर प्रकृति के संघ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप तक के नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑन करें ताकि आपको बिल तुरंत आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाएंगे। और दोस्तों आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, बैहर के आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग बैहर के आसपास ही रेस्क्यू कर पाएंगे, क्योंकि हम एक फॉरेस्ट में भी जॉब करते हैं, तो चूँकि हमें फॉरेस्ट में भी समय देना होता है और ये इसको भी बचाना पड़ता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों देखिए ये, हालांकि दिख पाएगा कि नहीं पता नहीं मुझे। तो देखिए दोस्तों ये काटने के लिए ऐसा होता है दोस्तों, ये बहुत बुरा काटता है, ये एक प्रकार से काटने के लिए बना है ये सांप। दो सांप जो होते हैं अपने भारत में, तो उसमें एक ये है चेकर्ड किलबैक और एक रसल वाइपर, दोस्तों एक काटने के लिए फेमस है ये। तो देखिए दोस्तों पानी में लुप्त हो गया वो, अब वो देखिए अपना वो फेस निकाला दोस्तों, ये दोस्तों वो जा रहा है, फिर दब गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए जय हिंद।